अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन हज़रात, होप यू आर डूइंग वेल। अभी सुबह के 11 बजे हैं और मैं अपनी डॉम से बाहर आया हूँ और मुझे एक काम जाना है, तो चलें साथ। यार मैं अभी जा रहा था, मेरे पास पैसे ख़त्म हुए थे, मैंने कहा एटीएम से पैसे निकलवाऊँ, और पैसे निकलवाने के लिए जा रहा था। तो अभी 11 बजे का टाइम है यहाँ पर, और लेकिन यार इतनी गर्मी हो गई है मैं क्या बताऊँ आपको। यहाँ पर गर्मियों के अंदर टेम्परेचर जो है वो काफ़ी गर्म होता है, और आई थिंक टूरिज़म के लिए ये दिन इतने जो है वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। और पहले तो देखने को मिलता था कि लोग काफ़ी ज़्यादा बाहर होते थे, लेकिन आज इतना ज़्यादा रश भी देखने को नहीं मिल रहा। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात यह है कि आज संडे है, छुट्टी है, आलमोस्ट जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो सोए हुए होंगे अपने अपने घरों के अंदर। और इसके साथ साथ सबसे अहम बात तो ये कि सुबह ईद भी है, तो आज देखते हैं कि इनकी रूटीन क्या है। बेसिकली ये आपको दिखाना ये था कि मैं इतनी दूर से चल के यहाँ आया हूँ। यहाँ पे पहले एक एटीएम होता था जहाँ से हम पैसे निकलवाया करते थे, लेकिन वो एटीएम ही वहाँ से गायब है। तो अभी हमें थोड़ा चल के और जाना पड़ेगा, तकरीबन कोई 1 किलोमीटर शायद और जाना पड़ेगा, क्योंकि आगे 1 किलोमीटर जो है वो दगबिस्की एक एरिया है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एटीएम मशीन है। लेकिन मुझे ये कन्फर्म नहीं है कि वहाँ पर मेरा एटीएम कार्ड चलता है कि नहीं चलता, लेकिन मैं तो अब वहाँ जा के ही चेक कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह कि आज रोज़ा भी है, और रमज़ान के अंदर भी यहाँ पे होटल वगैरह बंद नहीं होते, आलमोस्ट सब खुले हुए हैं। क्योंकि मैं जिस स्ट्रीट से गुजर रहा हूँ, मेरे इर्द गिर्द सेकेंड इधर मतलब दोनों तरफ जो है वो काफ़ी होटल्स हैं, और धुएं से आपको शायद नज़र भी आ रहा हो, पता भी लग रहा हो, क्योंकि धुएँ से काफ़ी चीज़ें बन रही हैं। तो रमज़ान में भी सब कुछ खुला होता है, आलमोस्ट कुछ बंद नहीं होता, होटल वगैरह सब कुछ वैसे नॉर्मल चल रहा होता है यहाँ। ये इनका बैंक है, मैं यहाँ आया था अभी, तो अभी चेक करते हैं कि इनका कार्ड यहाँ पे काम करता है कि नहीं। डलना कैसे है यार, आई थिंक ऐसे ही। सो इनके सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओहो, कैश बैलेंस कैश कर सकता हूँ। यार ये अभी हमने पैसे निकलवाए हैं, मुझे तरीका नहीं आता था, एक भाई ने हमारी हेल्प की है अभी। तो 3 लाख के ऊपर 3,000 रुपये टैक्स लगता है यहाँ पर, और पैसे आपके सामने आ गए। और फिर आपको जो है वो कार्ड चाहिए होता है, ये सारा प्रोसेस है। और मेरे पास जो है वो इनका जो नेशनल बैंक है उसका कार्ड है, तो ये इनका एक फेमस एरिया है जिसको आप दगबिस्की कहते हैं, और ये मोस्टली जो पाकिस्तानी है वो इस एरिया को जानते हैं, क्योंकि आलमोस्ट तमाम तर जो पाकिस्तानी है वो हमारे इसी एरिए के नियर बाई रहते हैं, तो इस एरिए का ज़्यादातर पाकिस्तानियों को मोस्टली पता है। और ये एक किस्म का आप इसका फेमस या इनका एक मिड सेंटर पॉइंट कह लें, आलमोस्ट हर बंदे को यहाँ का पता होता है। यार ये इनकी ट्रेन है जो कि वर्क करती है, ये ट्रेन समरकंद में चलती है, लेकिन जैसे मेट्रो ट्रेन कह सकते हैं आप, वही ट्रेन है इनकी। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके 2 तरीके हैं, 3 तरीके हैं। एक तो इनकी आम कॉमन टैक्सी है, लेकिन जो टैक्सी है वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। फिर इनकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आप उसमें ये भी कह सकते हैं कि इनके पास जो है वो बसेस आ जाती हैं। और बसेस के अलावा जो तीसरा मेथड है वो ये इनकी ट्रैम चलती है, आप इसको भी लेके कहीं आ जा सकते हैं। पहले तो बारिश हुई थी, शुक्र है रमज़ान ठंडा ठंडा गुजर गया है, लेकिन अभी हमारी कोशिश है, दुआ भी है कि अल्लाह ताला जो है अभी भी गर्मी ना करे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, पाकिस्तान से ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे, क्योंकि आज भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। लेकिन अभी बादल आ रहे हैं, लेकिन दुआ है कि जो ईद है वो ठंडी हो जाए। तो ये जब आप दगबिस्की क्रॉस करते हैं, तो इस स्ट्रीट पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो रेस्टोरेंट नज़र आते हैं। इस जगह का जिक्र मैंने इसलिए किया कि जो पाकिस्तान से मेडिकल के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, जो इनका MBBS प्रोग्राम है यहाँ करने आते हैं, उनके 2 हॉस्टल्स हैं। एक पीछे हॉस्टल है,
दगबिस्की का ये जो चौक है आप क्रॉस करते हैं तो वो सेकंड हॉस्टल है। एक पाकिस्तानी और इंडियंस का हॉस्टल यहाँ पे आगे आएगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यार बाकियों का पता नहीं, लेकिन मुझे पर्सनली यार ये कार्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ये कार मैंने उज़्बेकिस्तान में देखी है, ये ओल्ड कार्स हैं लेकिन मेरी फेवरेट कार्स हैं। यार ये इंडियन और पाकिस्तानियों का एक क्या कहते हैं वो हॉस्टल है। यहाँ पे ऑलमोस्ट इंडियन और पाकिस्तान, यहाँ पे इंडियंस और पाकिस्तानी रहते हैं। यार जब मैं पहली दफ़ा आया था उज़्बेकिस्तान के अंदर तो मुझे मेरा हॉस्टल नहीं मिल रहा था, तो मुझे इस हॉस्टल में कुछ दोस्त रहते हैं, उन्होंने बड़ी हेल्प की है, बड़े कोऑपरेटिव थे। यहाँ पे ऑलमोस्ट इंडियंस और पाकिस्तानी जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं इस हॉस्टल में। ये इनका दूसरा हॉस्टल है, तो ये इनका दूसरा हॉस्टल है। हाय, से हाय टू पब्लिक। माय नेम इज उमर। माय नेम इज उमर। यस, कौन है? ओह थैंक यू। यार ये पीछे हॉस्टल था, इनके लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं, बहुत फ्रेंडली हैं। अगर आप जाते हुए, मैं अक्सर वीडियोस बना रहा होता हूँ तो ये लोग अक्सर कहने शुरू कर देते हैं हाय हेलो, तो वो पूछ रहे थे कि आप कहाँ से हैं और क्या कहते हैं नाम क्या है, तो मैंने बताया। और दूसरी बात ये कि यार वैसे मेरा नाम उमर है लेकिन उज़्बेकिस्तान में मैं सबको बताता हूँ मेरा नाम उमर बेग है। रीज़न इज़ दैट उमर बेग इज़ अ कॉमन नेम हेयर। यहाँ पे एक बैंक भी है जो उमर बेग के नाम से है, तो इसलिए ये नाम इनको समझ आता है। अगर मैं कहता हूँ ना मेरा नाम उमर बेग है तो इनको समझ आता है, वो हंसने लग जाते हैं, उनको पता है कि उज़्बेक नेम है। तरह लगता है जैसे कोई ईरान के अंदर बिल्डिंग्स होती है ना, ऑलमोस्ट ईरान और उज़्बेकिस्तान के अंदर एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि इनकी जो बिल्डिंग्स हैं, इनकी जो पुरानी इमारत हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सेम है। अगर आप उज़्बेकिस्तान की टूरिस्ट प्लेस पे जाएं, जो रेगिस्तान है, जो इनके दूसरी जगह हैं, अगर आप वो घूमें तो उसके बाद अगर आप ईरान के अंदर देखें तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सम हाउ कॉमन है, जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं। तो ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बाहर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये इनकी मार्केट है और ये सामने बी लाइन का ऑफिस है। और आपको ये भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कि आप यहाँ पे आके अपनी सिम कितने की परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिम की तो कोई कॉस्ट नहीं है, लेकिन जो सिम का पैकेज है उसकी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है। दो तरह की सिम मिलती है, अगर तो आप यहाँ पे टूरिस्ट हैं तो तब भी आपको सिम मिलती है, अगर आप यहाँ पे जो हैं वो रहने आए हुए हैं तो तब आपको सिम जो है वो आपके पासपोर्ट में मिलती है, लेकिन तब मिलती है जब आपकी पुलिस स्टेशन मुकम्मल हो जाती है। तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह आपने अपनी पुलिस स्टेशन करवानी है, उसका कितना एक्सपेंस है, सब कुछ इसके ऊपर भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। यार जिस तरह पाकिस्तान में हर जगह जो है वो समोसे की शॉप्स होती हैं, यहाँ पे भी समोसे की शॉप हैं यहाँ पे, लेकिन ये रमज़ान में भी आलमोस्ट खुला होता है। मैं पूछता हूँ कि है कितने का। अस्सलाम वालेकुम अका। अका निचपुल इतने में 6000 रुस्की। तो यार ये 6000 रुपये का एक समोसा है और रमज़ान के अंदर भी ये खुला हुआ है आलमोस्ट। ये रमज़ान जैसे ख़त्म होगा, आज तो मेरा रोज़ा है, रमज़ान के बाद हम जो है वो उज़्बेकिस्तान की स्ट्रीट फूड्स के ऊपर प्रॉपर रिव्यू करेंगे कि इनका टेस्ट कैसा है, बनती कैसे हैं, सब चीज़ों के ऊपर जो है वो बात करेंगे। अभी मैं सयाब गुजार है यहाँ इनका बहुत बड़ा, वहाँ जा रहा हूँ और मुझे वहाँ से सामान लेना है क्योंकि अफ्तारी का सामान ख़त्म हुआ हुआ है। तो मुझे वहाँ से, सबसे बड़ी बात ये कि यार जब से मैं पाकिस्तान में यहाँ आया हूँ मैं सबसे ज़्यादा पकोड़े मिस कर रहा हूँ। लेकिन मैंने एक भाई को कहा था कि हमें बेसन चाहिए, उन्होंने कहा था कि बेसन 2-3 दिन में आ जाएगा, तो अभी मैं वो पता करने जा रहा हूँ कि बेसन आया या नहीं आया। अगर तो बेसन आ गया हुआ तो आज इंशाल्लाह हम पकोड़े बनाएंगे, तो ताकि पाकिस्तान की याद को थोड़ा कम किया जाए। मैं इनके सयाह बाज़ार आया था, मैंने कहा कुछ तो सामान ले लें और ये भी देखा जाए कि ये लोग ईद की शॉपिंग जो है वो किस तरह करते हैं, क्योंकि कल उज़्बेकिस्तान में ईद है तो उसके हवाले से भी हम देखते हैं कि ईद के लिए यहाँ पे कुछ सेल्स भी लगती हैं पाकिस्तान की तरह या नहीं, और ईद के हवाले से जो है ये लोग किस तरह शॉपिंग करते हैं। मैंने देखा यहाँ पर काफ़ी रश है, वैसे तो ऑलमोस्ट एवरी टाइम यहाँ पर रश होता है, लेकिन आज क्योंकि सुबह ईद है तो हर बंदा ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ है, तो आज थोड़ा ज़्यादा रश है यहाँ पे।
तो लोग काफ़ी सामान ले रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रश आज तो आपको एक्स्ट्रा मिलने को देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ईद है ईद की वजह से जो रश है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। आज काफ़ी ज़्यादा रश है यार, लोग सामान ले रहे हैं, शूज़, ये बच्चों के शूज़ हैं सारे, और बाकी भी सामान ले रही है वहाँ, बहुत ज़्यादा रश है। क्योंकि यार सुबह ईद है तो इसकी वजह से भी रश है, वैसे तो ऑलमोस्ट हमेशा ही यहाँ पे इतना रश होता है, लेकिन आज रश ज़्यादा होने की वजह ये है कि आवाम जो है वो ईद की शॉपिंग कर रही है, तो सुबह ईद है तो उसकी वजह से। पाकिस्तान में भी आज काफ़ी ज़्यादा रश होगा ना, इससे पूछा था कि जो है वो एक मैंने लेना था बेल्ट, उसकी बेल्ट की प्राइस क्या है। मैं इसलिए भी यहाँ से शॉपिंग नहीं करता क्योंकि जब आप लोकल आते हैं और आप फॉरेनर होते हैं तो ये प्राइस डबल हो जाती है, लेकिन जब आप किसी लोकल उज़्बेक के साथ यहाँ पे आते हैं तो उसकी प्राइस जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन एक चीज़ इनकी बड़ी अच्छी ये भी है कि ईद के दिनों में ना तो रेट बढ़ते हैं ना ही कम होते हैं, वही रेट रहते हैं जो आम दिनों में। आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है कि रेट ऊपर नीचे होते हैं, सेल्स लगी होती हैं, लेकिन यह कि आज रश काफ़ी ज़्यादा होने की वजह ये भी है कि सुबह यहाँ पर ईद है तो आम पहुँची भी आज शॉपिंग करने, तो क्योंकि ईद यहाँ भी ज़ोरों शोर से मनाई जाती है। यार आज रश यहाँ पे ज़्यादा होने की वजह ये भी है, मैंने अभी एक बेल्ट लेना था लेकिन फिर मैंने नहीं लिया क्योंकि जब आप फॉरेनर होते हैं तो इनकी प्राइस बढ़ जाती है क्योंकि आपको लैंग्वेज भी नहीं आती होती, लेकिन ये कि जब आप वही उज़्बेक के साथ आते हैं तो प्राइस थोड़ी जो है वो कम हो जाती है। लेकिन ये है कि वैसे तो इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं है ईद की होने की वजह से, और रश काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये जिस शॉप से मैं गुजर रहा हूँ यहाँ पर आपको फ्रीली अल्कोहल मिल जाएगी, क्योंकि अल्कोहल यहाँ पे इस तरह बिकती है जैसे कि पाकिस्तान में कोका कोला। आपको प्रॉपर शॉप्स मिलेंगी, आपको प्रॉपर ऐसी जगह मिलेगी जहाँ से आप इजीली किसी भी ब्रांड की जो है वो अल्कोहल बाय कर सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल मेरे ख्याल बेचना और पीना लीगल है उज़्बेकिस्तान में। एक और साइड है जहाँ पे आप फ्रूट वेजिटेबल ले सकते हैं, जहाँ पे आपको मेवाजात मिल सकते हैं, मतलब इस पूरे बाज़ार के जो हैं वो तीन सेक्टर हैं, एक पे आपको सब्ज़ियाँ वगैरह मिलती हैं, एक पे आपको फ्रूट्स ये सब्ज़ियाँ फ्रूट मिलते हैं, एक साइड पे आप चले जाते हैं तो आपको मेवे मसाले ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसके ऊपर हम एक दिन प्रॉपर रिव्यू करेंगे क्या कितने का है, क्योंकि आज तो मेरा रोज़ा भी है, लेकिन फिर किसी दिन आएँगे। आज मैंने जो सामान लेना है वो ले कर चलते हैं, तो जो जो चीज़ें आज दिखा सके आपको आज दिखाएंगे, बाकी बाद में आपको एक्सप्लोर करवाएंगे ये पूरा बाज़ार। एक दिन मैं पूरी एक वीडियो इसी बाज़ार के ऊपर बनाऊंगा इंशाल्लाह। और यार मैंने बेसन का बताया था क्योंकि मैं जब से यहाँ आया था मैं पकोड़े बड़े मिस कर रहा था, पाकिस्तानी पूरा रमज़ान गुजर गया, लेकिन एक भाई ने मुझे कहा था कि बेसन आ जाएगा, मैं उसके पास जा रहा हूँ, उसे जाके पूछता हूँ कि बेसन आया है या नहीं। का ना रोज़ों में भी ज़्यादातर लोग फूड वगैरह खा रहे होते हैं ओपनली, क्योंकि यहाँ पे रमज़ान के अंदर भी कोई ऐसा पाबंदी नहीं है फूड वगैरह की ना, तो आप बेच भी सकते हैं खा भी सकते हैं, सब कुछ खुला होता है। ज़्यादातर लोगों का रोज़ा होता भी है नहीं भी होता, हर बंदे की अपनी च्वाइस है। यार मैंने रोज़ा खोलने के लिए खजूरें लेनी थी, उस दिन मैं लेके गया था यहाँ पे, खजूरें काफ़ी अच्छी मिली हैं मुझे। तो ये इनकी दूसरी साइड है जहाँ पे आपको तमाम तर मेवे तमाम तर चीज़ें जो हैं वो यहाँ से मिल जाती हैं, तो आप यहाँ से इजीली ले सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी मतलब जो मेवों के मतलब है, बादाम, ये पहले जब ये सिल्क रोड का एक सेंटर होता था समरकंद, तो तब यहाँ पे जो है तजारत का ये मरकज़ होता था जिस बाज़ार में मैं आप हूँ। ये बाज़ार तब से बहुत बड़ा है और तब से अब तक यहाँ पर तजारत सेम होते आ रही है, तब भी यही हाल था, अब भी ऐसे ही है,
लेकिन तब पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते थे, तजारत करने, बेचते थे, लेते थे। लेकिन अब जो है वो उज़्बेकिस्तान बेसिकली समरकंद में बहुत बड़ा बाज़ार है, सियाह बाज़ार। ये इनका यार कुछ ट्रिप आया हुआ है आई थिंक सो, आज संडे है लेकिन संडे वाले दिन भी कुछ ट्रिप आया हुआ है उनका। यार सबसे बड़ा मसला वही है, जब आप यहाँ आते हैं तो अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती और अगर आप फॉरेनर हैं और शक्ल से पता लग रहा है फॉरेनर हैं, तो प्राइस डबल हो जाती है। तो मैंने पूछा अभी प्राइस का, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, सामान लेना था इफ्तार का, लेकिन प्राइस अभी डबल ही मिल रही है, क्योंकि मुझे पता है मैं लास्ट टाइम लेके गया था एक उज़्बेक दोस्त के साथ। यार मैं इस भाई के पास आया था लास्ट टाइम ये बेसन लेने ना, तो उनको समझ ही नहीं आई दोबारा, उन्होंने कहा था नेक्स्ट आना, अभी भी आज भी आया हूँ लेकिन आज भी मुझे बेसन नहीं मिल सका। उसने मुझे कुछ और दिखाया है लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि वो बेसन ही है या कुछ और है, लेकिन हम कहीं और से लेंगे। वैसे मैंने खजूरें ली हैं थोड़ी सी, तो बाकी हम और भी खजूरें लेंगे। और अभी मैं इनके सब्ज़ियों वाले सेक्शन में हूँ, ये इनका सब्ज़ियों वाला सेक्शन है। तो अभी मैंने थोड़ा सा सामान लेना था, वो मैंने ऑलमोस्ट ले लिया है, तो अभी तो हमें घर जाएंगे, फिर हम दोबारा कोई और काम है वो भी करेंगे, या आएंगे एक दिन बाज़ार, हम पूरी एक वीडियो डेडिकेट करेंगे बाज़ार पे। यहाँ से आप सारी सब्ज़ियाँ और तमाम तर चीज़ें ले सकते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर मंडी लगती है बेसिकली, ये इनकी मंडी है। वैसे इनकी हर गली मोहल्ले में शॉप्स हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो यहाँ पे भी इनकी प्रॉपर शॉप्स हैं, जिसको जिसने ज़्यादा सामान लेना होता है वो यहाँ आता है, यहाँ से सामान लेते हैं, क्योंकि ये चीप भी है कंपेयर टू जो लोकल मिलता है। इन पाकिस्तान उमर, इन उज़्बेकिस्तान उमर बेग, उमर उमर बेग, उज़्बेकिस्तान, इन पाकिस्तान उमर। यस, व्हाट यू थिंक, माय नेम इज दिलिया, दिलिया, आई एम अ टीचर एंड एंड आई नाउ इन दिस राज कपूर। ओह राज कपूर, यस आई नो राज कपूर। क्या करेगा ओ जाना जाएगा दीवाना सकलों में, हर जाना जाएगा दीवाना। यस, ओह यू नो इंडियन सॉन्ग्स एज वेल। थैंक यू, थैंक यू। यू नो एनी अदर इंडियन सॉन्ग? आई डोंट नो, प्लीज। यू नो एनी अदर इंडियन सॉन्ग? आई डोंट नो। सॉन्ग, गाना, गाना। हां सॉन्ग, हां हां। दोस्त दोस्त नारा, प्यार प्यार नारा, तो जिंदगी हो मेरा एतबारी नारा, एतबारी नारा। राज कपूर सॉन्ग। यार ये मुझे उज़्बेकिस्तान में एक खातून मिली है, शी इज़ अ टीचर बट शी इज़ डूइंग वेरी स्मॉल बिजनेस हेयर, और ये बहुत अच्छी बात है। आज वीकेंड है, वीकेंड के अंदर ये अपना बिज़नेस भी यहाँ पे चला रही हैं, और सबसे ज़्यादा शॉकिंग जो बात ये है कि इनकी आवाज़ बड़ी प्यारी है, एंड इनको इंडियन सॉन्ग्स आते हैं, हिंदी थोड़ी थोड़ी आती है, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो इंडियंस के बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो मैं तो फ़ैन हो गया हूँ भाई उज़्बेकिस्तान में इंडियन सिंगर का। यार ये इनका बाज़ार है बेसिकली फ्रूट्स वाला, तो अभी हम इनसे पूछते हैं कि स्ट्रॉबेरी का क्या रेट है आज का। यार ये मुझे काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉबेरी लेनी थी, तो ओके, तो अभी मैंने स्ट्रॉबेरी ली है। तो यहाँ पे फ्रूट पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, मुझे किसी भाई ने कहा था कि स्ट्रॉबेरी बहुत सस्ती है यहाँ पे। अच्छा यार मैंने ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बतानी थी आपको। यार इनकी जो ख़वातीन है ना वो बहुत तेज़ हैं, यानी कि वो आपको सेकंडों में चीज़ बेच देती हैं। तो अभी मैंने रिंग लेनी है एक यार यहाँ से, तो अभी रिंग का देखता हूँ क्या हिसाब किताब है। बाकी तो पता नहीं, लेकिन मुझे एक चीज़ है इनकी के यहाँ पे जो है वो आपको ये जो इनका ड्राई फ्रूट है वो सस्ता मिल जाता है। अस्सलाम वालेकुम, आ गया निशपुर ऑल मिस प्लीज कैलकुलेटर ऑल मिस मीन दाखले बेरा ब्रो कैलकुलेटर 65,000 नो लेस लेस नो। अहमद आगा यार अभी नित्य आगा चुच चुत यार ये मैंने
से हेलो हेलो टू पाकिस्तान हेलो यार ये भाई से अभी मैंने अफ्तारी के लिए अनार का जूस लिया तो वो उसने मुझे दिया 12,000 का 12,000 का मतलब पाकिस्तानी जो बनता है वो तकरीबन कोई आई थिंक बनता है 190 रुपये। तो अभी मुझे जो है वो अखरोट लेने हैं यहाँ से, तो उसके लिए मैं ढूंढ रहा हूँ क्योंकि हो सकता है यहाँ से मिल जाएँ। यहाँ से देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अका, क्या यहाँ पे नहीं है इनके पास? तो आगे चलते हैं, यहाँ पे नहीं है इनके पास, आगे चलते हैं वहाँ से देखते हैं। यार ये यहाँ से अखरोट मिल गए, अभी वो लेते हैं, अभी फिर घर चलते हैं। गर्मी बड़ी है, रोज़ा भी लग रहा है। तो उज़्बेकिस्तान में ये है कि अगर आप बाज़ार में भी आएंगे ना तो आपको टूरिज़्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया, यू नो हिंदी? इंडिया, इंडिया नो पाकिस्तान, पाकिस्तान पीस। यार यहाँ के लोग भी टर्की की तरह फ्रेंडली हैं, क्योंकि टर्की में भी लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं। यहाँ पे भी जब भी वो पाकिस्तानियों को देखते हैं तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। ये यार इनकी ये ब्रेड बड़ी फेमस है, ये लोग अपने खाने में ब्रेड लाजमी रखते हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे आपको फॉरेनर्स काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं। ये पीछे भी मेरे आपको फॉरेनर नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आए हुए। ऑलमोस्ट हमने सब कुछ ले लिया है जो कुछ लेना था हमने। अभी हम दोबारा रूम चलते हैं क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। यार यहाँ पे मैं जाते हुए सोचा ग्लासेस ले लूँ, तो अभी ग्लासेस ट्राई करते हैं। यार यहाँ पे आप आने से पहले ना पाकिस्तान से एक चीज़ करें कि अपना सामान भाई पाकिस्तान से लेके आएँ, क्योंकि आपको वहाँ पे जो ग्लासेस पाकिस्तान में आम पठानों वाली 200-300 की मिलती है, वो यहाँ से कम अज़ कम 1,000-1,500 रुपये की मिलेगी। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा डिफरेंस मिलेगा आपको देखने का। बाकी मेरे पीछे आप फॉरनर देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आएंगे, काफ़ी ज़्यादा आवाम जो है वो आई भी है। आज संडे भी है, कल ईद भी है, तो बस इस वजह से दो वजूहत हैं आज ज़्यादा रश होने की वजह से। आपको यहाँ पे मेहंदी भी देखने को मिलेगी क्योंकि कल ईद भी है, तो आवाम जो है वो मेहंदी भी ले रही है यहाँ पे। यार ये ना मैं आज तक इनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे नहीं गया, तो मेरा इरादा है कि मैं इनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सप्लोर करूँ। ब्रा डग बिस्की, डग बिस्की, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं जब से यहाँ आया हूँ मैंने इनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो इस्तेमाल नहीं की, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं इनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करके देख रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट भी था कि देखूँ कि इनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसी है। तो ये मेरे नियर बाई होम ही है और कोई 10 मिनट का सफ़र है, 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं चाहता था कि मैं इनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सप्लोर करूँ। तो इनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेम वैसी है जैसे पाकिस्तान में आपको आम लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाती है। तो इन्होंने मुख्तलिफ टर्मिनल बनाए हुए हैं, तो वहाँ से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाती है, जिसका किराया जो है वो 15,000 सोम है। 15,000 सोम जो पाकिस्तानी जो हैं वो 40 से 50 रुपए के करीब बनते हैं ऑलमोस्ट। ये इनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैं मेरा पहला एक्सपीरियंस था, इट वाज गुड।
नॉट बैड, लेकिन इसमें रश ज़्यादा होता है। मैं तो ऑलमोस्ट टैक्सी यूज़ करता हूँ, मुझे तकरीबन पाँच मंथ हो गए हैं यहाँ पे, लेकिन ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब मैं इनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा था। तो इनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, नॉट बैड, अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आप घूमना चाहते हैं, लोकली कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यार एक हॉस्टल मैंने आपको पहले दिखाया था, और एक हॉस्टल मेरे साथ ये वाला है। ये ऑलमोस्ट तमाम तर जो हमारी पाकिस्तानी जो लड़कियां आती हैं यहाँ पे मेडिकल करने, ये उनसे बिलोंग करता है, और उस भी लड़कियों का ये हॉस्टल है। तो एक आगे बॉयज़ का हॉस्टल है, और एक ये वाला जो है ये इनकी गर्ल्स का हॉस्टल है। तो ऑलमोस्ट तीन हॉस्टल हैं समरकंदक बिस्की के अंदर ही आसपास ही। तो ये जो एक हॉस्टल है वहाँ पे इंडियंस और पाकिस्तानी रहते हैं, और एक हॉस्टल में फिर पाकिस्तानी और उज़्बेक रहते हैं, और इस हॉस्टल के अंदर जो है वो पाकिस्तानी गर्ल्स और उज़्बेक गर्ल्स रहती हैं। डॉम वापस आ गया हूँ, और उम्मीद करता हूँ ये जो एक्सप्लोर उज़्बेकिस्तान की सीरीज़ है ये आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियोज़, एंड मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। और इसके साथ साथ जो है वो अपना और अपनों का ख्याल रखिए, इस नाचीज़ को दुआओं में याद रखिए। पीस ऑफ़।